गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साक्षी 11. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम दिल्ली में नहीं हूं, इस टाइम मैं राजस्थान में हूं, कोटा. तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी और ट्यूटोरियल्स नहीं बनाए काफ़ी टाइम से. तो बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि आखिरकार आप क्यों नहीं बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है. नहीं गाइस, कोई इशू और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. हाँ, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई कुछ रीजंस की वजह से, और ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं था. सो प्लीज़ डोंट वरी. और सबसे पहली बात, काफ़ी दिनों बाद जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे फिर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आज मैं फिर से बहुत नर्वस फील कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं कोटा में व्लॉग शूट करने वाली हूँ. तो आज पूरे दिन का स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है. आज हम लोग बाहर घूमने भी जाने वाले हैं और मूवी के लिए जाने वाले हैं. तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ. सुबह का टाइम है और हम ऑलरेडी एक बार चाय पी चुके हैं और मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम चाय बना रही हूँ. मुझे और मेरी मम्मा को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कितनी बार भी चाय पी सकते हैं. और मैं इस टाइम यहाँ पे चाय बना रही थी. थोड़ी देर में मैं नाश्ता भी बनाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं नहीं, मेरी सिस्टर बनाने वाली है. और वर्मिसली, जो सेवई की तरह होता है बट उसको नमकीन बनाया जाता है, थोड़ा सा सॉल्टी और स्पाइसी होता है. तो आई होप बहुत से लोग बनाते होंगे, तो वही मैं आज यहाँ पे बनने वाला है. सो फाइनली हमारा नाश्ता बन चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत यम्मी लगेगा. तो फ्रेंड्स, अभी हम बाहर जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए. बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा क्योंकि हमको शाम में घूमने भी जाना है. एक्चुअली शाम से पहले ही हम लोग निकलेंगे, तो थोड़े बहुत सामान के लिए हमें बाहर जाना था.
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, पीछे मेरी मम्मा हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं और अभी हम थोड़ी सी देर में मूवी के लिए निकलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक जैकेट पहना है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जैकेट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसे ख़रीदा है। गाइज़ मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं कार के अंदर एक छोटा सा वीडियो शूट कर सकूं, बट यहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि मैं वो नहीं कर पाई। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं द आलू वालियाज़। अगर आप कोटा के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे। बात करने वाला ऊपर था सोनू। सो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।